दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में चल रहे सेल्फ स्टडी सेंटर में डूबने से दो छात्रा और एक छात्र की मौत की घटना के तीसरे दिन दिल्ली नगर निगम ने मुखर्जी नगर में बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली की सबसे बड़ी आईएएस कोचिंग एकेडमी में शामिल दृष्टि आईएएस नेहरू विहार के पास बड़े सेंटर को एमसीडी की टीम ने आज सील कर दिया है। ये कोचिंग सेंटर वर्धमान मॉल के बेसमेंट में चल रहा था। जानकारी सामने आ रही कि इस बेसमेंट में 7 से 8 बड़े हॉल में कोचिंग क्लास लगती थी और एक हॉल में 250 से 300 छात्र कोचिंग लेते थे। एमसीडी की इस कार्रवाई को मुखर्जी नगर में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। नगर निगम की इस कार्रवाई को मुखर्जी नगर में स्थित अन्य कोचिंग संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि एमसीडी की इस कार्रवाई के चलते आईएएस की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इस कार्रवाई के चलते अभ्यर्थी अपना सामान और नोट्स भी कोचिंग से बाहर नहीं ला सके। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें जब तक एमसीडी के कोचिंग सेंटर के बंद करने की जानकारी मिली तब सेंटर सील हो चुका था, जिसके चलते उनकी किताबें जरूरी नोट्स कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में ही रह गई। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में कोचिंग लेने वाले युवा और तमाशबीन मौके पर जुटे रहे। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि बेसमेंट में 7 से 8 बड़े आकार के हॉल में कोचिंग क्लास चलती थी। घंटे भर की कार्रवाई के बाद कोचिंग सेंटर के सभी एग्जिट गेट सील कर दिए गए हैं। कोचिंग सेंटर के 4-5 मुख्य गेट के अलावा अन्य दरवाजों को भी सील किया गया है।